बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में लगी आग, तमाम फाइलें जलकर हुई खाक। आग के कारणों की जांच के लिए चीफ फायर ऑफिसर और फाइलों की जांच के लिए एडीएम सिटी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी। फर्जी खाता खोलकर करोड़ों की जालसाजी करने वाले गिरोह का सीओ कोतवाली ने किया पर्दाफाश। गोरखपुर महोत्सव के लिए ऑडिशन में चयनित हुए प्रतिभागी दिखाएंगे अपनी कला का हुनर। महापौर, नगर आयुक्त और व्यवसायी एवं समाज सेवी बालकृष्ण सर्राफ ने गरीबों को बांटा 1000 से ज्यादा कंबल। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां पूरे शबाब पर, रातों दिन हो रहा है विश्वविद्यालय प्रांगण में काम। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में आयोजित हुई गणतंत्र दिवस की तैयारी बैठक, विविध कार्यक्रमों की तय की गई रूपरेखा। अंतिम चरण में है गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां। भाजपा के विस्तारकों की बैठक हुई संपन्न, सौंपी गई जिम्मेदारी। पुलिस लाइन रोड पर चला नगर निगम का बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कमिश्नर ने कहा 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस, आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। कंबल स्वेटर वितरण किए जाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर सपा ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, परंतु शिक्षक रहेंगे उपस्थित। और जिला क्रिकेट लीग में रायल ने सुपर क्लब को 9 विकेट से हराया।